हम लोग संबलपुर उड़ीसा में है। और इलेक्शन जो भारत में पूरी तरफ हो रहा है, क्योंकि भारत इतना नाम है कि वर्ल्ड में भी हर तरफ नाम है। जब भी इलेक्शन होता है तो यहाँ की बहुत चर्चा होती है। और हम लोग संबलपुर उड़ीसा में है, एक मेडिसिन दुकान में हम आइए मिलेंगे। सर, आपका नाम सर? अभिषेक शर्मा। शर्मा जी, अभी कुछ ही दिनों के अंदर वोट होने वाला है, सारे भारत में हो रहा है और संबलपुर में भी हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या मत है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहूँगा मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जब से मोदी जी जन औषधि खुलवाई है लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है इससे, और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है भाजपा का। सेंट्रल लेवल में बोलिए, स्टेट लेवल में बोलिए, हर जगह उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, और हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ भी उनकी डबल इंजन सरकार चले, संबलपुर भी बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संबलपुर और दिल्ली में डबल दोनों आप बनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम भी चाहेंगे, लोगों का मत ले रहे हैं, क्योंकि सर और एक बात सर छोटा पूछना है, और भी कई पार्टी है जैसा BJD है, कांग्रेस, उसके ऊपर आप इनमें ज़्यादा क्यों जोर करें? हम मोदी जी का काम से खुश हैं, तो हम चाहते हैं कि वही आए स्टेट में भी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।